की सबसे बड़ी चीज है अन्न दान, गज दान। आप किसी को हाथी दान कर दो, घोड़ा दान कर दो, वो दान भी छोटा है, लेकिन किसी को सम्मान दे दो वो सबसे बड़ा है। तीन तरह की बातें हैं। उत्तम व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो मान चाहता है। मान, धन दो मत दो, लेकिन एक गौरवशाली सम्मान जरूर दो। उत्तम व्यक्ति मान चाहेगा, मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और मान दोनों चाहेगा, सम्मान भी मिले और पैसा भी मिले। और तीसरा, जो अधम कोटि का व्यक्ति है, उसे किसी से मतलब नहीं, उसे तो केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तीन तरह की कैटेगरी है। जिसके जीवन में केवल धन ही सबसे बड़ा है और कुछ नहीं, वो एकदम गया बीता है। उत्तमा मानम इच्छन्ति, लेकिन धनम मानम च मध्यमा, और अधमा धनम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। संसार में सम्मान ही सबसे बड़ा धन है महत्पुरुषों के लिए। इसलिए धन आवे न आवे, भगवान से यह प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारे जीवन का स्वाभिमान कहीं गिर ना जावे, हमारे जीवन का स्वाभिमान कहीं चला ना जावे। अभिमान आना बुरा और स्वाभिमान जाना बुरा, स्वाभिमान तो रहना चाहिए, ये गौरव है व्यक्ति का। सती माता को बहुत समझाया, नहीं मानी, गोद से उतर के चली। शंकर जी समझ गए। आज का आदमी कहता है हमारी लुगाई हमारे बस में, अरे राम भजो, शंकर जैसो देवता ही ना रोक सको अपनी लुगाई के लिए, और उनकी कहा चलाई है। हाँ, इस भ्रम में रहना भी नहीं कभी, हमारी लुगाई हमारे बस में है। लेकिन एक बात याद रखो, पति का अपमान तिरस्कार करके कोई नारी कहीं जाएगी, जीवन में सुख नहीं पा पाएगी। शंकर जी समझ गए। हो इही सोई जो राम रचि राखा, हो इही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावही साखा, को करी तरक बढ़ावही साखा, हरी इच्छा भावी बलवाना, हरी इच्छा भावी बलवाना, हरी इच्छा भावी बलवाना, हरी इच्छा भावी बलवाना। सती माता चलने लगी, नंदीश्वर से कहा, नंदी लेकर के जाओ इनके पीहर। और भागवत में तो अगर आप देखें पढ़ें तो शंकर जी ने सब कुछ दिया है जो माता सती ब्याह के समय लेकर आई थी। हाँ, ओढ़ना है, नाक की नथनी है, कान का कुंडल है, हाथ की चूड़ी है, पांव की पैजनियां हैं, उंगली की बिछुआ है, पांव के और तो और क्या कहें, दर्पण तक भी दिया है, सब लौटा दिया सब। क्यों? शंकर जी जानते हैं ये जा तो रही है, लौट के दोबारा आएगी नहीं, सब दे दिया। सती माता जब गई, दक्ष ने देखा, बेटियों को, अन्य बेटियों को कह दिया कोई बात ना करे, सबसे कह दिया बात ना करे, और जिसको करना वो निकल जाए मेरे यज्ञ से बाहर, कोई बोलने वाला नहीं बेटी से। नारायण, बहने कह रही हैं, आ गई बिना निमंत्रण के। अरे बहन, तुम ऐसे क्या बोल रही हो? एक बात बता, तेरे पति ने अभी तक कोई घर बार बनाया कि नहीं बनाया, कि अभी भी गुफाओं में ही रहता है? जीजा जी नहीं कहती, अपमान कर रहे। बाप बोले नहीं, बहने व्यंग कसे, कोई बोलने वाला ना मिला। लेकिन एक सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, भगवान
बहुरी मुस्काता अग्नि मिली बहुरी मुस्काता सादर मिली भली एक माता सादर मिली भली एक माता अग्नि मिली बहुरी मुस्काता माँ केवल मिली है, दुनिया में इससे ऊपर कोई नहीं है। माँ से ऊपर माँ वो तत्व है जो बाप से भी पति से भी आगे जाकर के बच्चों के लिए मरती है। माँ वो है, माँ की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आज उसी मां का बच्चे जब अपमान करते हैं तो सोचो उस मां पर क्या बीतती हो। मां वो तत्व तो है कि बच्चा अगर कुछ गलती कर गया पहली बार तो अपने आप समझाएगी, देख तेरे पापा को पता लगेगा। ठीक, पहले वैसे समझाएगी बेटा गलत बात ये मत किया कर, फिर उसके बाद भी नहीं सुधरा तो फिर कहेगी तेरे पापा को पता चलेगा तो टूट जाएंगे, तुझ पर बहुत विश्वास है उनको, बेटा ये गलत काम मत। और हां मां छोड़ दूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि बाप को पता लग गया कि बेटा पीता है, लग गया पता, बात छिपती है कहीं। तारे की ज्योत में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो रीढ़ पड़े रजपूत छिपे नहीं, वीर छिपे न घर मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं। और कहा भैया कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न भभूत लगायो। कर्म जीवन में कभी नहीं छिपता, प्रकट होकर। और बाप को पता लगा, बाप आया, सुनाए क्या हो गया। वाह, तुम्हारा लाल नाम रोशन कर रहा है बाप का। आप कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा पीने लग गया है, पता है तुमको? पता है, लेकिन उसके बाद भी कैसे रिएक्ट करती है आपको किसने कहा? देखो किसने कहा से मतलब, तेरा बेटा पीने लग गया है और तू पूछ रही किसने कहा। बाजार में चर्चा है, बाजार वाले तो कुछ भी कहते रहे, बेटे से जलते हैं, उनके बेटे बिगड़े। आप क्यों सोचते हो आपका बेटा बहुत होनहार है? मां पक्ष रखती है सामने पहले। अच्छा कहां है जनाब साहब, नवाब साहब? तो कहेगी अभी आ रहा होगा। बाप जगता है, रात के 9:30 बज गए हैं, नवाब साहब अभी तक आए नहीं, पीकर आएंगे। आप कुछ भी कह रहे हो, आप जाओ सो, मैं देखती हूं। बाप गया कमरे में, बेटा रात के 1 बजे आया, और आया तो अद्भुत था नसीब। मां तुरंत संभालती है, दरवाजा लॉक नहीं किया था कि बेटा डोरबेल बजाएगा, दरवाजा खुला रखा था। और बेटा आया तो मां ने संभाला, लेकर के उसके सीधे कमरे में गई और कहा ये तू क्यों करता है? आज तेरे पापा को तेरी हरकत पता लग गई है, जानते हैं रात को भोजन नहीं किया उनने, कम से कम कुछ तो सोच। गिर पड़ा, मां ने जूते उतारे, मोजे उतारे। और अगले दिन जब सुबह पिता उठा, क्यों आ गए नवाब साहब, नहीं आए अभी तक? आ गया। कितने बजे आया? आप कमरे में गए 10 मिनट बाद वो आ गया। मां झूठ भी कहकर के बच्चे की रक्षा करती है और मां समझाती भी है उस बच्चे को। मां ढाल है, तलवार है, दोनों है। जब वही बच्चा अपने पिता का अपमान करने लगता है तो मां का हाथ तलवार की तरह उठने में भी चूकता नहीं है।
कि मां वो तत्व है। आज मां कहती है तू क्यों आई यहां पर, क्या जमाई बाबू आए हैं? वो नहीं आए। तो जब जमाई बाबू नहीं आए तो तू क्यों आई यहां पर? निमंत्रण तेरे बाप ने तुझको भेजा नहीं, बेटी तुझको यहां आना नहीं चाहिए था। तेरा बाप, तू जानती है ना मां, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यही तो आज बेटी कहेगी। मैं उनको मना लूंगी, पिताजी मुझसे बहुत। और बेटी गई सभा में, सब देवता खड़े हुए, दक्ष बैठा हुआ है। सती बड़ी चाव से गई है अपने पिता के पास, पिताजी पिताजी, दक्ष ने मुंह फेर लिया। और सती ने जैसे ही देखा उच्च कोटि में केवल दो सिंहासन है, ब्रह्मा का सिंहासन खाली, विष्णु का सिंहासन खाली, शिव का कोई सिंहासन ही नहीं। आज सती माता को क्रोध आया। आज पिताजी नहीं कहा, कहा रे मूर्ख दक्ष। और दक्ष ने जो सुना, तू किस प्रकार बाप से बात कर रही है? बाप, तेरी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये मेरे जीवन को धिक्कार है। इस जीवन को जिन शिव का दो अक्षर का नाम भी किसी की वाणी पर गलती से आ जावे तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर के भवसागर पार लगा देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। उन शिव का अपमान करने को यज्ञ किया। यदि द्वक्षर विनाम गिरीर कंपिना सकृत प्रसन्नता भगवा सुहंतिता पवित्र कीर्ति में तब लंघ्य शासन भवान हो शिवम शिवेतर। मेरे पति जब मुझसे कहते हैं दाक्षायणी दक्ष की बेटी, तो मेरा सिर शर्म से नीचे हो जाता है कि ऐसे बाप की बेटी हूं। मेरे पति ने मना किया तो भी आई यहां पर, अब रुकूंगी नहीं। मैं पति का अपमान नहीं देख सकती और यहां से लौटकर अपने पति के पास जाऊंगी नहीं। क्या कहूंगी कि क्या आपका अपमान देख करके लौटकर आई हूं? इसलिए वे दक्ष, तेरे द्वारा प्रदत्त यह देह, इसी क्षण में अपने देह का त्याग करने जा रही हूं। और माता सती ने अपने हाथ को रगड़ना प्रारंभ किया। अग्नि देवता की ओर दृष्टि डाली, पांव के अंगूठे में प्रवेश कर। हे जीरे कहीं जोग अगन तक उजारा दे दे राजा राम हरे भयो सकल मख हाहाकारा जय जय सीता राम हरे जय जय सीता राम हरे जय जय सीता राम हरे कदर से देहो हत्कल मशसती हरे जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम। बोले सती माता की, देखते देखते सती माता का देह स्वाहा। कुछ लोग कहते हैं अलग अलग कल्पभेद की कथा है, एक कथा है जिसमें सती माता के देह को अग्नि लगी है, योग अग्नि में जली है। एक कथा मिलती है जिसमें सती माता को हार्ट फेल हुआ है, हृदय गति रुक गई। जिस कथा में ये हृदय गति रुकने वाली कथा है उस कथा में प्रसंग आता है कि सती माता का देह जब हृदय गति रुकी है गिर पड़ा है तो देवादिदेव शिव शंकर आए हैं और सती माता के देह को उठाकर के आकाश में गगन में ले गए। हाहाकार मच गई, उल्काएं गिर रही हैं, धरती कांप रही है, तीनों लोग कंपायमान हो रहे हैं। तब देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु यदि इस प्रकार विलाप शंकर जी करते रहेंगे तो तीनों लोग जल करके नष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का क्रोध देखिए,
शंकर जी ने वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष को मरवा दिया, लेकिन इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, आप तुरंत करिए कुछ। भगवान श्री नारायण ने चक्र लेकर के छोड़ा है और सती माता का अंग एक एक कट कट के कट के कट के कट के गिरने लगा, और जिन जिन स्थानों पर माता सती का अंग गिरा है वो स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। 51 और 52 शक्तिपीठ की कल्पना की जाती है और वह अलग अलग जगह है। नेत्र गिरे नैना देवी का मंदिर नैनीताल में है, केश गिरे कात्यायनी देवी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है, जीव गिरी ज्वाला देवी का मंदिर, अलग अलग जगह अलग अलग 51 शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ हैं। और उसके बाद में दक्ष का यज्ञ विध्वंस जब हो गया शंकर जी के क्रोधाग्नि से वीरभद्र के द्वारा, तब जाकर के देवताओं ने प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आए, कुछ देवताओं के हाथ पांव भी टूटे हैं उस युद्ध में। अब क्यों हम इसकी चर्चा करें, टूटे हैं। गलत का साथ देने वाले का परिणाम भी ऐसा होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि प्रभु अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया, इनके अंग ठीक हो जाएं। शंकर जी ने कहा जिन्होंने सती का अपमान नहीं किया अंग ठीक हो जाएं, और कहा यज्ञ नारायण का स्वरूप होता है, पूर्ण नहीं कराएंगे तो अमंगल होगा, आपसे प्रार्थना है। उषा के दांत तोड़े हैं, हाँ भृगु जी की दाढ़ी नोच ली है, वीरभद्र से बड़ा भयंकर शक्तिशाली है वीरभद्र, भगवान शंकर की जटाओं से उत्पन्न हुआ। शंकर जी आए प्रार्थना सुनकर के, दक्ष की गर्दन जोड़ने के लिए बकरा की गर्दन मंगवाई है, बकरा की गर्दन लगाई, दक्ष रोता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो गया। दक्ष को किसी ने नहीं मारा, लोग कहते दक्ष को वीरभद्र ने मारा ना, दक्ष को उसके अभिमान ने मारा। यदि दक्ष का अभिमान ना होता दक्ष आज भी जिंदा रहता महाराज। उसके बाद में अब यज्ञ पूरा कैसे हो, भगवान नारायण के बिना, नारायण का आह्वान किया गया, भगवान नारायण आए गरुड़ पर बैठ कर। जब गरुड़ पक्षी उड़ता है तो पंख से सामवेद की ध्वनि होती है, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे सृष्टि पालक तुभ्यं नमामि, हे सृष्टि पालक तुभ्यं नमामि, श्री राधा माधव तुभ्यं नमामि, श्री राधा माधव तुभ्यं नमामि। ॐ स्तोत्रमुदीर्ण सामः। भगवान आए कहा हे देवताओं मुझ में और शंकर में कोई भेद नहीं, जो शिव हैं वो मैं हूं, जो महादेव हैं वो मैं ही हूं, और जो मैं हूं महादेव हूं। स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन, मैं महादेव हूं ये जनार्दन है, आवयो अंतरम नास्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं है। घटस्य जलयोरिव, जैसे अलग अलग घड़ों में पानी भरा रहता है, घड़ा तो एक ही होता है, मैं और शिव महादेव दोनों एक हैं। यज्ञ पूर्ण कराया और उसके बाद में यही माता सती आगे चल करके हिमालय राज की कन्या के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लेकर आई। बड़ी भारी तपस्या इन्होंने करी है। शंकर जी वरण करने कैसे आवेंगे, भगवान ने प्रार्थना करी कि अब यही वरदान चाहता हूं कि आप पार्वती से विवाह करें। शंकर जी दक्ष ने विवाह तो पार्वती जी का विष्णु के साथ पक्का कर दिया था पहले, लेकिन ये तो रूठ के चली गई,
पार्वती के पास में आए हिमालय राज, कहा बेटी तू क्यों रूट करके चली गई? बोले मैं नारायण से विवाह नहीं करती, प्रेम नहीं करती, ना विवाह करना चाहती हूं, मैं तो शंकर जी से प्रेम करती हूं, शिव ही मेरे पति। बेटी अब तो हमने ब्याह पक्का कर दिया, अब तो ब्याह कर लो ना। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहू सम्भू न तो रहू कुमारी। शंकर जी का ही वरण कर चुकी हूं, तो कहा अब तो शंकर जी स्वयं आवे और तेरा हाथ मांगे तो ब्याह कर सकता हूं, नहीं तो कार्ड छप चुके हैं, बात फैल चुकी है चारों तरफ, ब्याह तो उनसे ही होना पड़ेगा। प्रार्थना हुई, शंकर जी आए, डम 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 डमरू बजाना प्रारंभ किया। नट आया एक नट आया है, नट आया एक नट आया है, नट आया है नट आया है, डम 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 डम। दूर देश से आया हूं मैं, दूर देश से आया हूं मैं, पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे हिमालय राज, बहुत दूर से चलकर आया हूं। नट हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सभा लग रही है। दूर देश से आया हूं मैं, मन मनोरथ लाया हूं मैं, दूर देश से आया हूं मैं, मन में मनोरथ लाया हूं मैं, हो प्रसन्न तो करना पूरी, लाया हूं जो आस अधूरी। डम 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 डम। शंकर जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, एक पांव पे खड़े होकर के नाचते हैं, दूसरा पांव उठाकर। एक पांव अपनी गर्दन पर ऊपर उछलते हैं, अपने एक एक अंग को। अरे कोई योगी क्या योग करेगा, ये योगेश्वर है जो नृत्य किया। हिमालय राज कहते हैं वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, ऐसा ऐसा नृत्य तो आज तक नहीं देखा। अरे नट नहीं है कोई? बोले फिर ये तो नटों का राजा है, लगता है नटराज है। सुंदर सुंदर नृत्य करे हैं, योग के ये आचार्य परे हैं, सबसे परे हैं। प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? शंकर जी ने कहा महाराज हिमालय दोगे? अरे जो मांगोगे दूंगा। तो महाराज हिमालय यदि मेरे नट से नट के कृत्य से प्रसन्न हो तो अपनी कन्या पार्वती मेरे से ब्याह दो। अरे कौन है भाई तू, इतनी हिमाकत तेरी? कर्पूर गौर में करना अवतार में संसार सारा काज हो, आया तेरे पास आज हो, कर दे पूरी मेरी आस, जो देखा खड़े हो। बोले नटराज भगवान, नेत्र सजल हो गए हमारे राज के।
ये जन्म जन्म का संबंध है, ये आज का नहीं है। मैं किसका हाथ मांगने आया हूं? तेरी बेटी का नहीं, अपनी ही पत्नी का हाथ मांगने आया हूं। मुंडों की माला गले में, ये एक एक जन्म की मेरी पत्नी है, एक जन्म की नहीं है। और पार्वती माता का विवाह शंकर जी से हुआ। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और उसके बाद में तीसरा चरित्र आता है, ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी का चरित्र सबने सुना है, इसको तो विस्तार ना करूं तो भी चलेगा। हे भगवान, मैं करूं क्या? घड़ी का कांटा भी तो बढ़ता है, एक एक प्रसंग चलता है, मन बहुत है, चाव बहुत है, लेकिन समय का अभाव भी बहुत है। प्रसंग यह है कि मनु जी महाराज के दो पुत्र, उनमें से एक पुत्र है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। जीवन को अपनी नीति से चला रही है वो है सुनीति, नीति से चलाती है। और जो अपने जीवन को रुचि के अनुसार चलाती है वो सुरुचि। अब देखो सुनीति और सुरुचि में अंतर। भाव भी चेंज तो प्रसंग भी चेंज तो राग भी चेंज। उत्तानपाद का पहला विवाह जो हुआ है वो सुनीति, दूसरा विवाह सुरुचि। सुरुचि जब आती है ब्याह करके तो कहती है घर में नहीं घुसूंगी। क्यों? बोले जब तक बड़ी रहेगी मेरी सौत तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अरे अरे वो तो तेरी बड़ी है। बोले मैंने छोटी बनना सीखा नहीं तो बड़ी वो कैसे रह जाएगी यहां पर? वो निकालो उसे बाहर तब अंदर जाऊंगी। अब देखो एक एक संत की वाणी है, सुनीति कौन और सुरुचि कौन? सब में ईश्वर को तुम देखो, गीता माँ की शिक्षा है। सब में ईश्वर को तुम देखो, गीता माँ की शिक्षा है। ये है सुनीति। और सुरुचि, जग से ईश्वर नाम मिटा दो, आज काल की शिक्षा है। जग से ईश्वर नाम मिटा दो, आज काल की शिक्षा है। सुनीति, हरि का भोग लगा कर पाओ, हरि का भोग लगा कर पाओ, गीता माँ की शिक्षा है। अरे सगड़ा मिल रे झूठन खाओ, आज काल की शिक्षा है। सुरुचि, सुनीति कहती है ठाकुर का भोग लगा के पाओ, और सुरुचि कहती है अरे क्या भोग लगाना, सब खाओ ऐसे ही, सब अपने अंदर भगवान। सगड़ा मिल रे झूठन खाओ, आज काल की शिक्षा है। और सुनीति कह रही भोग लगा के पाओ, सुनीति कह रही है सब में भगवान देखो, और ये क्या कहती है अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, ये रुचि है मन। सुनीति, बिन स्वार्थ सबका हित करना, गीता माँ की शिक्षा है। और स्वार्थ बिना एक पाम न धरना, आज काल की शिक्षा है। अरे भैया उससे कोई मतलब नहीं तो जाना ही नहीं। कलयुग में माता पिता बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मात पिता बालक ने बुलावे, उधर भरे सोई धर्म बतावे। बेटा पेट पल जाए, अपना पेट भर जाए, यही काम करना है, और दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। ये फर्क है, ये अंतर है सुनीति और सुरुचि में। सुरुचि की रुचि पूरी हो गई, सुनीति ने नीति का प्रयोग किया, यदि मैं नहीं जाती हूं तो मेरे पति धक्का देकर निकालेंगे। नीति कहती है इस समय आंखों में उनके वासना भरी पड़ी है उसके लिए, तो मेरा जाना ही उचित है, मैं गड़बड़ी हूं, धक्का देकर अपमान करके निकालें उससे बढ़िया खुद ही निकल जाऊं।
हाथ जोड़े, स्वामी जैसी आपकी इच्छा, रानी बुरा मत मानना, वो छोटी है बाद में प्रथम को बुला लेंगे, कोई बात नहीं। नौकरों जाकर बढ़िया झोपड़ी बना दो, तैयार कर दो, चलिए। सुरुचि सुनीति के बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ध्रुव, और सुरुचि के बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। लेकिन उत्तम को लोग बोलते हैं बेस्ट। संस्कृत की व्याख्या और संस्कृत के शब्द और संस्कृत के भाव काल के अनुसार अलग अलग होते हैं। हाँ, यहां उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम का अर्थ है घोर अंधकार। घोर अंधकार कैसे हुआ? ऊ अलग करो और तम अलग कर दो। तम का अर्थ होता है अंधकार। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। तम कहते हैं अंधकार को, और ऊ माने उत्कर्षेण तमः यस्य सः उत्तमः। घोर अंधकार का जो रूप है वो ही उत्तम है। लेकिन ये है ध्रुव। ध्रुव का जीवन कैसा है? उत्तम खेलते हैं राजकुमारों के बीच में और ध्रुव खेलते हैं ऋषि कुमारों के बीच में। उत्तम राजदरबार में कथा सुनते हैं राजतंत्र की, और ये कथा सुनते हैं ऋषि मुनियों के मुख से आत्मतंत्र की, कल्याण की। दुनिया के बच्चों को देखते हैं कि उनके माता पिता उनके पास हैं, लेकिन ध्रुव के मन में यह प्रश्न है कि मेरे पिता मेरे पास क्यों नहीं, या मैं पिता के पास क्यों नहीं। माता से अनेक बार पूछा और माता ने अनेक बार यही कहा कि तेरे पिता राजतंत्र में व्यस्त रहते हैं, मिलेंगे। लेकिन एक दिन ध्रुव थोड़े जिद पर अड़े, बाल हट है, ध्रुव ने कहा मैं मां को पिताजी से मिलना चाहता हूं, बेटा बाद में नहीं, मेरे सखा सारे के सारे पिता से मिलना चाहते हैं। जिद हुई, मां ने नौकर को कहा रामा जाकर राजकुमार को लेकर जाओ पिताजी के पास मिलाने, महाराज के पास। लेकर के आए ऋषि कुमार साथ में, जैसे ही अंदर सभा में पहुंचे अपने पिता की गोद में एक लड़का बैठा हुआ देखा है। कौन है ये रामा? आपके छोटे भाई हैं, दूसरी जो छोटी माता है ना, हाँ हाँ सुना तो है, उनके ही पुत्र हैं। हाँ मेरी से छोटा है, आपसे छोटे हैं? ध्रुव प्रसन्न हो गए, मेरा छोटा भाई भी है, इससे खुशी की बात और क्या होगी। अब तो मैं पिता के पास जाता हूं, छोटे भाई इधर गोद में बैठा है, मैं दूसरी गोद में बैठता हूं, पिता की दोनों गोद भर जाएगी। और ध्रुव जी महाराज पिताजी पिताजी कह करके जो दौड़ते हुए गए, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रही थी सुरुचि। और सीढ़ी चढ़ करके जैसे ही ध्रुव ऊपर तक आए, खड़ी हो गई, राजा खड़े होते उसको लेने के लिए, उससे पहले सुरुचि खड़ी हुई और खड़े होकर ध्रुव का हाथ पकड़ा, नीचे धक्का दिया। रे नौकरानी के लड़का, राजा की गद्दी पाने की लालसा? रहा तो भिखारी का भिखारी ही, राजगद्दी पाने की लालसा है? ध्रुव की आंखों से, ये 5 साल का बच्चा, इसमें संपत्ति की लालसा कहां होगी? इस 5 साल के बच्चे में तो प्रेम की लालसा है, संपत्ति की नहीं। ध्रुव ने देखा माता गुस्सा करती है, तो ध्रुव ने देखा पिता तो प्रेम करेंगे, लेकिन जो पिता की ओर देखा, पिता ने नेत्र नीचे कर लिए, आंखों से आंसू। विमाता बोलती है तुझे राजगद्दी अगर चाहता है तू, तो मेरी कोख से जन्म लेकर आ, तुझे राजगद्दी भी मिल जाएगी, राज सुख भी मिल जाएगा, राज वैभव भी मिल जाएगा। ध्रुव रोते रोते गए अपनी माता सुनीति की गोद में जाकर के मस्तक रख दिए। सुनीति कहती है पुत्र ध्रुव तू रो क्यों रहा है? ध्रुव ने कुछ देर बाद हिचकियां जब थमी तो ध्रुव ने मां ने छाती लगा लिया, आंख फटी रह गई मां की, ऐसा क्या हो गया राजदरबार में? ऋषि कुमार भी भयभीत थे तो अपने अपने मैया बाप के पास चले गए। ध्रुव अकेले आए, नौकर को फटकार लगा दी दास महारानी ने, सामर्थ कैसे हुई तेरी यहां तक लेकर के आने की? क्षमा, अब यहीं रहो। और छाती लगाया, ध्रुव ने कहा मां तू सत्य सत्य कह क्या क्या मैं नौकरानी का बेटा हूं? क्या तू महारानी नहीं है? अरे अरे ध्रुव ये कौन कह रहा है? तुझसे किसने कहा? विमाता कहती है नौकरानी के बेटा,
मां की आंखों से अश्रु की धारा बह गई, लेकिन ध्रुव को आंसू ना दिखाए, हृदय में धैर्य रखा और धैर्य रखते हुए फिर कहा, और क्या कहा तेरी भी माता ने, कहा कि अगर राजगद्दी चाहता है तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, भाव क्या है, मर जा, मरेगा तब तो जन्म लेगा, किसी के बच्चों के लिए कोई कैसे कह सकता है कि मर जा, और जबकि ये महाराज का पुत्र है, तू भी मां लगती है, लेकिन हिम्मत रखते हुए फिर सुनीति कहती है, ध्रुव मेरे लाल तेरी मां का बुरा मत मानना, बेटा तेरी मां दिल की बहुत साफ है, यह है नीति, आज के समय कोई मां होगी तो झगड़ा कर जाएगी, आज के समय कोई मां होगी तो बच्चे के अंदर भी विष भर देगी, लेकिन ये सुनीति है, इसने कहा क्यों दुखी होता है तू, तेरी माता दिल की बड़ी साफ है छोटी माता, पानी थी थोड़ी ऐसी है, लेकिन सही कहा उसने, तू छोटे बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तेरे पिता साधारण पिता हैं, छोटे पिता हैं, और छोटे पिता की गोद में छोटा बेटा बैठता है, लेकिन तू बड़ा बेटा है, तू जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा, और अब एक काम कर, तू यहां से चला जा, और सुन, अपनी मां की छाती के दूध को ले जाना नहीं, जब तक नारायण का दर्शन ना कर ले तब तक लौट करके आना नहीं, तो जो तेरे मां के दूध की सौगंध है, आज आंखों में आंसू भर के खड़ा हुआ ध्रुव मां को प्रणाम किया, कानपुर के पास बिठूर है, संस्कृत में नाम है ब्रह्मावर्त, मनुजी महाराज का क्षेत्र है, वहां से नंगे पांव निकलते निकलते ध्रुव जी आते हैं, और नारद जी ने देखा, अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्या क्षत्रियों जैसा तेज है, नीचे उतर करके आते हैं, परिचय पूछते हैं, सारा परिचय दिया, अरे अरे महाराज मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले उत्तानपाद के पुत्र हैं आप, इतने बड़े कहां जा रहे हो, बोले नारायण का दर्शन करने के लिए, नारायण नारायण, अरे बेटा बेकार का कठोर संकल्प तू ले रहा है, क्यों, मुझे हो गए 1000 साल वीणा लेकर बजाते बजाते, आज तक दर्शन नहीं हुआ, तुझे कैसे हो जाएगा, ये ध्रुव है, ध्रुव माने अटल, ध्रुव ने कहा मैं तो दर्शन करके लौटूंगा, संकल्प दृढ़ है, हां जन्म मरने से पहले भगवान को पाऊंगा, जब तक नहीं पाऊंगा तब तक प्राण भी बाहर निकलने नहीं दूंगा, बेटा बड़े बड़े शेर हैं, शावक हैं, तुझे खा जाएंगे, कौन बचाएगा, तो कहा तोते को हरा किसने बनाया, हंस को सफेद किसने बनाया, मोर को विभिन्न प्रकार के रंगों से किसने सजाया, बोले भगवान ने, बोले जो भगवान ये सब कर सकता है क्या ध्रुव की रक्षा नहीं कर सकता है, येन शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरति कृता मयूराश्चित्रता येन सहमे वृत्तिं विधास्यति, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे तुम, ये संकल्प, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, 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 आशा हमें है विश्वास भी, 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 हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आ अगर साथ है हर पल तुम्हारा अगर साथ है तो हमें को डरने की क्या बात है, तो हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से नहारेंगे हम, पुकारेंगे हम अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आ रहे जरूरी नहीं कभी छाया भी, छाया कहीं तो कहीं धूप है, छाया कहीं तो कहीं धूप है, नाम कितने कई रूप है, नाम कितने कई रूप है, हर शे में तुम हो समाए हुए, हर शे में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है आशा हमें है विश्वास भी, आशा हमें है विश्वास भी, ओ आशा हमें है विश्वास भी, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने है संभालोगे तुम। इतना दृढ़ विश्वास देखा ध्रुव का तो गुरुजी नारद जी बन गए, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र। कहा बेटा तपस्या कर जा करके 6 महीना में भगवान मिल जाएंगे, गुरुजी का वचन मिल गया, मंत्र मिल गया, दृढ़ विश्वास है ही है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और ध्रुव जी महाराज चले
मधुबन में आकर के इन्होंने आराधना तपस्या करी। 5 महीने 4 महीने की आराधना उत्तरोत्तर कठिन कठिनतर कठिनतम होती चली गई और 5वें महीने में तो उसी भी सीमा पार कर गई। क्या किया, 5वें महीने में इन्होंने दोनों वायु एक कर ली, बाहर की वायु भी भीतर, भीतर की वायु भीतर। पहले 3 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 6 दिन में एक बार पेड़ के पत्ता खाते हैं, पहले 3 दिन में एक बार बेर और गेंद, फिर 6 महीने में 6 दिन में एक बार पेड़ के पत्ता, फिर 12 दिन में एक बार केवल पानी पी करके रहते हैं और 4वें महीने में 12 दिन में। महाराज 3 दिन 6 दिन 9 दिन और 4वें महीने में 12 दिन, 12 दिन में महाराज केवल हवा पी करके रहते हैं और कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि कैसे संभव है, अभ्यास से, हर चीज अभ्यास से प्रबल होती चली गई। आज निर्जला 11 से है, अभी खाकर के अभ्यास बनाओ, फलाहार गुटू धीरे धीरे करते करते और उससे आगे बढ़ो, एक एक करके अपनी इंद्रियों को जीतो, अभ्यास बनाओ। हमने एक गलती करी थी, हमने पहली बार में निर्जला 11 से ऐसी करी कि बिना पानी के करेंगे, अभ्यास फेल हो गया हमारा। महाराज जिस दिन व्रत करो उस दिन ज्यादा घबराहट हो जाती है, अब निर्जला 11 में तो हालत खराब होने लग गई हमारी। तो हमने तो गुरुजी से कह दिया, गुरुजी वो व्रत ये बताओ रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है तब कुछ कर सकते हैं क्या? तो गुरुजी हंस करके कहते हैं, बोले वो तो अगर बेटा करना ही है अगर ऐसे तो सूर्यास्त के बाद भी कर लो। मैंने नहीं, रात के 12 बजे के बाद कैलेंडर बदल जाता है। तो पहली निर्जला 11 बड़ी भारी पड़ी थी, उस दिन के बाद से आज तक कभी बिना पानी के वाला तो काम नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना जरूर है। ध्रुव जी ने 4वें महीने में हवा पी है केवल, और 5वां महीना लगा तो बाहर की हवा भी भीतर, भीतर की हवा भी भीतर, बाहर की हवा गायब, व्याकुलता बढ़ी। देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी को, कहा ध्रुव नेत्र खोल। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोले, भीतर भगवान बैठे हैं, दर्शन हो रहा है। साध्य के आने पर भी साधक ने साधन नहीं छोड़ा, तब भगवान ने भीतर की छवि को बाहर खींचा, व्याकुलता हुई। जो नेत्र खोले तो शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसी रोहे क्षणम, भगवान श्री हरि का दर्शन हुआ। बोली श्री हरि भगवान की जय। वाणी से कुछ कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, भगवान ने अपना शंख लेकर के कपोल पर लगाया। कृतांजलिम ब्रह्म मयेन कंबुना पस्पर्श बाले कृपया कपोले। और उसके बाद में ध्रुव ने स्तुति करी, चारों वेद उपनिषद सब आ गए हृदय में, हृदयस्थ हो गए। अब ध्रुव स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्र चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, जो जड़ बनी हुई वाणी को चेतन बन करके अलंकृत करते हैं, ये जड़ वाणी बोलने वाली बनती है, मैं उसी भगवान को प्रणाम करता हूं, उन्हीं प्राण स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये सब चीज जड़ है, इसमें चेतन बैठता है तब जाकर के वो चेतनता आती है। ध्रुव जी महाराज से कहा वरदान मांगो बेटा, ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। आपके चरणों की मुझे भक्ति प्राप्त हो, यही मांगा भगवान ने। कहा जब आया था तो यही कामना लेकर आया था? बोले नहीं, और कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ और कामना थी लेकिन आपको देखने के बाद कुछ और हो गई, अब आपकी भक्ति चाहता हूं। भगवान ने कहा वो तो मिल गई लेकिन अब मैं कुछ और चाहता हूं, अब मेरे मन में इच्छा हो गई। जब भक्त की इच्छा खत्म होती है तब भगवान की इच्छा पैदा हो जाती है। अरे हमारी इच्छाएं लिमिटेड है, लिमिटेड, कितना मांगेंगे? अच्छा एक बताओ, 2 मुट्ठी में कितना भर लोगे? सीमित ही भर पाओगे, लेकिन 1000 हाथों से देने वाला देगा तो कितना लूटोगे सोचो।
भंडार भर जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाएं नहीं, उसकी इच्छा, जीव की इच्छा खत्म हुई, भगवत इच्छा पैदा हो गई। कैसी इच्छा है महाराज? भगवान ने कहा कि तुम्हें राज्य भी करना पड़ेगा। कब तक? ज्यादा नहीं, 36,000 साल तक बस। कंजूस देगा तो कंजूसी से देगा, और उदार देगा तो उदारता से देगा, भंडार भर देगा। और ठाकुर से बड़ा उदार कौन है? ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पद राम सरिस सो नाही। जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान संकोच में देते, ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया, कहा तेरे पिता भी तुझसे प्यार करेंगे, तेरे से नफरत करने वाली मां भी तुझसे प्यार करेगी, जा आशीर्वाद पाल और जा यहां से। भगवान कहकर अंतर्धान हुए और ध्रुव जी महाराज अब चले। मन ही मन हरि का गुण गाते, मन ही मन हरि के गुण गाते, मन ही मन हरि के गुण गाते, मन ही मन हरि के गुण गाते। कछु हर्षाते कछु सकुचाते, कछु हर्षाते कछु सकुचाते। चले ध्रुव राज महल की ओ, चले ध्रुव राज महल की ओ, मचा सारी नगरी में शोर, मचा सारी नगरी में शोर। चले ध्रुव मंगल द्रव्य बटोर, चले ध्रुव मंगल द्रव्य बटोर। महाराज मन में संकोच करते जा रहे हैं। संकोच क्या है? आज मैंने ठाकुर से ठाकुर नहीं मांगा, संसार की संपदा मांग ली। यदि ये कामना मेरे अंदर ना होती तो ठाकुर ये संसार की बेड़ियां मेरे पैरों में न डालता, मुझे केवल अपनी भक्ति देता। लेकिन ये संसार की संपदा दे दी, दुखी है। जैसे ही पहुंचे पता लगा ध्रुव जी आ रहे हैं, पिता ने महल सजवा दिया, हाथी घोड़े तैयार करा दिए अगवानी के लिए, और ध्रुव जी महाराज चले। आहा, पुरजन परिजन सुहृद जन लेने चले अगवान, ले आए ध्रुव को महल बहुत सुमंगल का। अरे मिला सभी से प्रेम सहित वहाँ पालक परम सुजा, मिला सभी से प्रेम सहित पालक परम सुजान। आयो अचल लोके ध्रुव लोके भक्त ध्रुव हरि के हरि को ज्ञान, आयो अचल लोके ध्रुव लोके भक्त ध्रुव हरि के हरि को ज्ञान, हरि के हरि को ध्यान, भक्त ध्रुव हरि के हरि को ध्यान, हरि के हरि को चले। सबसे पहला प्रणाम अपनी उस माता को जिसने कड़वा कहा,
सबसे पहला प्रणाम किया। पिघल गई वो माता, पिघल गई वो माता, मैंने तुझे अपमान किया तेरा, तू मुझको प्रणाम करता है। बोले गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, क्यों? मेरी सबसे पहली गुरु तो तू है। यदि तू ऐसा कठोर न कहती तो मुझे भगवत दर्शन की प्रेरणा कैसे प्राप्त होती? इसलिए सबसे पहली गुरु मेरी तू है। आंखें सजल हो गई। उसके बाद में उत्तम को बुलाया, कहा अपने बड़े भैया को प्रणाम कर। बड़े भाई को प्रणाम करवाया और महाराज हाथ उत्तम का लेकर ध्रुव के हाथ में दिया, इतना छोटा भाई है, तू इसका ध्यान रख। उत्तानपाद छाती लगा लेते हैं, गलती की क्षमा मांगते हैं, बोल ना पाया। बोले पिताजी उस समय बोल देते अगर तो काम गड़बड़ा जाता। अच्छा हुआ उस समय आप मौन रहे, तभी तो हृदय में पीड़ा हुई थी। और हृदय का दर्द अगर मां के आगे कह दो, जननी के आगे कह दो, और जननी अगर सुनीति जैसी हो वे माता, तो भगवान से जोड़ देगी। आज आंखें सजल हो गई। इधर माता खड़ी है जिसने जन्म दिया है। ध्रुव जी महाराज अंत में अपनी उस मां के पास आए हैं और चरणों में साष्टांग प्रणाम करी है। ध्रुव को देखकर छाती से दूध गिरने लग गया। हे ध्रुव, जब तेरा जन्म हुआ था लोग कहते थे पुत्र हो गया तू पुत्रवती हो गई, पुत्र हो गया तू पुत्रवती हो गई, लेकिन आज मैं कहती हूं मैं आज पुत्रवती हो गई।